साल 15 नवंबर 1918 जब एक शिप निकली जिसका नाम था सेंट ऑगस्टिन यानी एस एस कोटापैक्सी। ये दोनों नाम एक ही शिप के नाम हैं जो आज से 90 साल बाद आया, वो भी बर्म्यूडा ट्रायंगल से। तो चलो आज हम लोग इसकी हिस्ट्री जानते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो शिप जो था जो जिसका नाम है एस एस कोटापैक्सी वो बर्मा ट्राइंगल में सिंक हो गया, लेकिन वो 90 साल बाद वापस अपनी धरती में लौट आया। पहले तो हम लोग कुछ बर्मा ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यस प्लेस फ्लोरिडा से लेकर बर्मुडा से प्यूर्टो रिको में जुड़ता है जिससे वो त्रिकोण शेप बनाता है। आज तक तो जो भी जहाज और विमान जा गए हैं वो आज तक कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन जो एस एस कोटापैक्सी है वो ही एक ऐसा अकेला शिप था जो बर्मुडा ट्रायंगल में गया था सही, लेकिन 90 साल बाद बहुत साल बाद फिर से लौट आया। पता नहीं ये एक रहस्यमय तरीके से वापस लौट आया। साइंटिफिक प्रूफ से साइंटिस्ट ने कोई भी ऐसा सबूत नहीं पाया जिससे पता लग सके कि एस एस कोटापैक्सी को हुआ क्या था। शिप को चलाने वाला जो शिप कीपर था उसकी कैबिन में एक डायरी मिली आर्कोलॉजिस्ट को, जिसमें लिखा हुआ 2 दिन का नोट लिखा हुआ था, जिसमें जो कैबिन था वो हर एक टाइम का नोट डायरी में लिखता था। तो उसमें लास्ट वर्ड था कि सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर उसके बाद कुछ था पता नहीं चला। एस एस कोटापैक्सी जो इतने रहस्यमय तरीके से गायब हो गए इतने सालों बाद वापस रिटर्न हुए, क्या उसके साथ क्या छेड़छाड़ हुई थी उस समय कि वो अचानक से गायब हो गया और अचानक से वापस भी आ गया। आज तक इसका जानकारी किसी को नहीं पता, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल हमेशा रहस्यमय रहेगा क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल इतना रहस्यमय है कि जब भी हम लोग रहस्यमय जगह के नाम जानते हैं तभी बर्मुडा ट्रायंगल का जिक्र जरूर होना चाहिए। जितने भी साल बाद ऐसे कोटापैक्सी आए हो लेकिन वो हमेशा रहस्यमय बता रहा है, या फिर ऐसे कोटापैक्सी के साथ किसी एलियन सभ्यता का हाथ हो, किसी एलियन सभ्यता ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो फिर वापस उसको भेज दिया हो, ये कुछ अता पता नहीं हो क्या, या फिर टाइम ट्रैवल हुआ हो तो इसका कुछ अता पता नहीं हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देना चाहता हूँ। आपने वोटिंग पोल में मैंने जल्दी वोटिंग पोल दी थी इसलिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज घोष शिप में आया था, तो मैंने आपकी विश पूरी कर दी। तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, वैसे बहुत टाइम बाद वीडियो बनाए, तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।